जय माता दी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं किसी को भी अपने वश में। जी हाँ दोस्तों, गुरु जी की अपार कृपा से आज मैं आपके सामने एक ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ मोबाइल नंबर से ही किसी को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर पता होना चाहिए और वो आपके वश में होगा। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि सिर्फ मोबाइल नंबर से आप किसी को वश में कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरु जी की अपार कृपा की वजह से आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने प्रेमी को या अपने प्रेमिका को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, देर ना करें, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप किसी को भी, चाहे वो आपकी पुरानी प्रेमिका हो, पुराना प्रेमी हो, आपसे रूठी हुई कोई महिला हो, या फिर आपके घर में ही कोई अगर है, आपके पड़ोस में अगर कोई है, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एक समय पर सिर्फ एक इंसान को ही आप अपने वश में कर पाएंगे। दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आइए मैं आपको बताती हूँ पूरी विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये उपाय आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं। इन तीन दिनों में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, दिन के किसी भी समय आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप रात में 7 बजे से 10 बजे के बीच में इस उपाय को करते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये उपाय आप शाम के समय कीजिए, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, अपने सामने आप एक घी का दीपक जला लीजिए, उसके बाद एक छोटे कागज में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और उसका मोबाइल नंबर लिखना होगा। दोस्तों, इसके बाद ये जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र से आपको इस मोबाइल नंबर को अभिमंत्रित करना होगा। अभिमंत्रित करने का तरीका भी बहुत आसान है। उस कागज को मोड़ के आप अपने हाथ में रख लीजिए और उसके बाद आप ये मंत्र बोलिए, ओम कामदेवाय वश्यम अमुकम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना है, बल्कि आपको उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर बोलना है। जी हाँ, इसमें आपको दोस्तों एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि पूरी श्रद्धा के साथ आपको इस उपाय को करना है, और जिस समय आप इस उपाय को कर रहे होंगे, आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे चाहते हैं कि ये तुरंत काम करे, तो आपको गुरुजी को फोन लगाना होगा, क्योंकि जो भी मोबाइल नंबर आप अभिमंत्रित कर रहे होंगे, गुरुजी की कृपा से वो काम आपका तुरंत हो जाएगा। मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही आपका जो प्रेमी है वो आपके लिए दीवाना हो उठेगा, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएगा और आपसे मिलने के लिए वो तड़पने लग जाएगा। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र को आपको अभिमंत्रित करना है मोबाइल नंबर के ऊपर। उसके अलावा आपको हमें कॉल लगाना है, जिससे कि आपका नाम, आपकी राशि और आपके प्रेमी की राशि के हिसाब से गुरुजी इस मंत्र को यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं, और ये तुरंत काम करता है, तुरंत आपको इसका फल मिल जाता है। तो अगर आप अपने प्रेमी को अपने वश में करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस उपाय को कीजिए और गुरुजी को फोन लगाकर आप उनसे अपनी समस्या भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप उन्हें बता सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।